हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? फाइनली आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू, SSC रिजल्ट 2017 का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि आपको कौन कौन सी पोस्ट मिली है, और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को आपकी ड्रीम जॉब मिल गई होगी। नहीं मिली होगी तो आप CGL 18 या 19 के थ्रू ले लोगे, ये मुझे उम्मीद है। इस वीडियो को बनाने का मकसद कुछ और है, आपसे कुछ अपील वगैरह करनी है और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, अभी MTS का Tier 2 होने वाला है जो कि होगा 24 तारीख को, और SSC CHSL 2018 का डिस्क्रिप्टिव पेपर भी जल्द ही होगा। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ कि आप लोग अगर SSC CGL 2017 में सेलेक्ट हो चुके हो तो इन पेपर्स में अपीयर मत होना। मैं समझता हूँ कि आप लोग ये सब चीज़ें जानते हो और आप अपीयर नहीं भी होगे, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, हम इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते, हम मजे मजे में पेपर देने चले जाते हैं। ये सबके साथ होता है। तो अगर आप सेलेक्ट हो चुके हो CGL 17 के लिए तो आप अवॉइड करना इन पेपर्स में जाना, ठीक है? तो शायद किसी का भला हो जाए इससे, और क्योंकि SSC वेटिंग लिस्ट नहीं निकालता है, आप सभी लोगों को पता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जिन लोगों को SSC CGL 2017 के थ्रू ड्रीम जॉब मिल गई है, तो CGL 2018 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अवॉइड करना जाना। जिन लोगों को ड्रीम जॉब नहीं मिली है CGL 17 के थ्रू, तो वो 2018 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब जाओगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप सिर्फ वही पोस्ट भरना जिनमें आप काम करना चाहते हो एक्चुअली में। ऑलरेडी अगर आप किसी पर्टिकुलर जॉब में सिलेक्टेड हो और आपकी स्टेट भी ठीक है, आपको स्टेट में भी ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, तो आप किसी और दूसरी पोस्ट में जाना चाहते हो तो उसी पोस्ट के बारे में डालना। अगेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम दोबारा से वही वाली पोस्ट मत डाल देना जिसमें आप ऑलरेडी हो और आपको स्टेट भी आपकी पसंद की मिली हुई है, ठीक है? इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कई बार मिस कर देते हैं, ठीक है? ध्यान नहीं देते इस चीज़ पे, लेकिन इसका इम्पैक्ट बाकी आपके फेलो स्टूडेंट्स पे पड़ता है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस। और बाकी अगर हम बात करें तो हो ही गया है, CGL 17 आराम से निकल गया, तो CGL 18 भी अब स्मूथली चलेगा, और CGL 18 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और CGL 19 20 उम्मीद ही है कि SSC अब सारे काम ढंग से करे और सारी चीज़ें अच्छे से चलें और सारे एग्जाम टाइम पे हो। अब CGL 18 में तो शायद ही उन CGL 19 में सॉरी Tier 2 और Tier 3 साथ में होंगे जो कि नोटिफिकेशन में था, तो टाइम और बचेगा और एग्जाम जल्दी निपटेगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी SSC से एक गिला मुझे है, आपका SSC CGL 2017 में इन्होंने 35,000 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया था जबकि वैकेंसीज थी सिर्फ 8,000 के आसपास, ठीक है? 4 गुना से ज़्यादा लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुला दिए, 3 साल से एग्जाम का प्रोसेस चल रहा था ये। और काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं, देखो कुछ लोग होते हैं जिन्हें आइडिया रहता है कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन जो बॉर्डर पे लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं वेट कर रहे होते हैं रिजल्ट का, और हो सकता है उन्होंने इतने लंबे टाइम तक ज़्यादा कुछ पॉजिटिव अपनी लाइफ में ना किया हो, ज़्यादा कुछ अचीव ना कर पाए हों इस टाइम के बीच में, और उन लोगों के साथ यहाँ पे बहुत गलत हुआ। और इसमें SSC की गलती मैं मानूंगा कि SSC इतने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो 510 या 505 नंबर स्कोर कर रहे थे UR कैटेगरी से, एंड देवर एक्सपेक्टिंग कि उन्हें कोई ना कोई पोस्ट SSC CGL के थ्रू मिल जाएगी, ठीक? तो मैं उन्हें भी गलत नहीं ठहराऊंगा, लेकिन SSC की तरफ से ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतने ज़्यादा लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं बुलाना चाहिए, ठीक है? 8,000 वैकेंसी, तुम ज़्यादा से ज़्यादा 14,000 बच्चे बुला लो, 13,000 बच्चे बुला लो, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुना बच्चे बुला लो, 2 गुना भी ज़्यादा ही है, उससे भी कम ही बुलाने चाहिए। तो इतने ज़्यादा बच्चों को बुलाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो SSC को हम कुछ कह तो सकते नहीं। अब MTS का एग्ज़ाम हुआ था, MTS के एग्ज़ाम में टोटल 8,000 के आसपास वैकेंसी, 7,000 ही वैकेंसी दिखा रहा है उसमें, और 1,20,000 बच्चों को Tier 2 के लिए बुला दिया, तो मेरे हिसाब से इसका कोई भी लॉजिक नहीं है क्योंकि Tier 1 के ही मार्क्स जुड़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें गलत हैं SSC में, और विद टाइम अगर सही हो जाती है तो बहुत अच्छा है। बाकी जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं CGL 2017 के थ्रू, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपके कोई जूनियर हैं या फिर अगर आप किसी भी तरह से किसी को हेल्प कर सकते हो जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं आती, तो आप ज़रूर करो, ठीक है? आप थोड़ा सा गाइड करोगे उन्हें तो हो सकता है आपके जूनियर्स बहुत अच्छा स्कोर करें। तो यही है इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। फिलहाल आपसे यहीं विदा लेता हूँ, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।